नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के डिजिटल चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवयानी व्यास। राष्ट्रीय बाजार के साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में मुख्य तौर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली गुजरात के सूरत आधारित कंपनी ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड ने शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से ही निवेशकों को 30% तक रिटर्न देना शुरू कर दिया है। आपको ये बताना महत्वपूर्ण होगा कि ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड द्वारा कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति एंड इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर इस वर्ष सितंबर माह में आईपीओ लाया गया था एवं 10 अक्टूबर 2022 को कंपनी की लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग प्राइस 101 रुपए के मुकाबले कंपनी के शेयर ने 131.30 रुपए का उच्चतम स्तर हुआ है। इस प्रकार लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर में निवेशकों को 30% का रिटर्न मिला है। कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के बारे में बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वर्ष 2014 में ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था और कंपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। आपको बता दें कि इसके अलावा कंपनी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है और साथ ही साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से निर्मित बृहद प्रकार के फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशंस और उत्पाद निर्मित करवा रही है। 31 मई 2022 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में 832 उत्पाद थे जिसमें कंपनी भारत के साथ साथ अफ्रीकी लैटिन अमेरिकी और पूर्वी भारतीय देशों में भी काम करती है और कंपनी ने न्यूरोसिटिकल बिक्री पर प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ाया है। इस सेगमेंट में कंपनी टैबलेट कैप्सूल लिक्विड सैशे ओरल स्प्रे और जल्दी घुलने वाली गोलियां निर्मित कर रही है। कोरोना महामारी के बाद न्यूरोसिटिकल प्रोडक्ट्स की मांग में अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है। इस सेगमेंट में कंपनी को अच्छा मार्जिन और कारोबारी ग्रोथ मिलने की संभावना है। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड के प्रवर्तकों से। तो कंपनी के 44 वर्षीय प्रवर्तक हार्दिक जिग्नेश कुमार देसाई कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। उन्हें फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है। ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड के गत वर्षों के वित्तीय प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें तो पाएंगे वित्त वर्ष 2021 में प्रगति करते हुए कंपनी ने 9,78,00,000 रुपए का राजस्व एवं 63,23,000 रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2022 में 22,37,00,000 रुपए का राजस्व एवं 2,27,00,000 रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। फार्मा उद्योग की चिरस्थायी मांग और कंपनी प्रवर्तकों की विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए निवेशक दीर्घावधि के लिए कंपनी के शेयर में निवेश कर सकते हैं। तो ये थी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली गुजरात के सूरत आधारित कंपनी ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड की कारोबारी गतिविधियों की खबर। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार, आईपीओ मार्केट और व्यापार से जुड़ी हर जरूरी खबर से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।